हजारीबाग में हत्या की योजना बनाते तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये तीनों हजारीबाग में पदस्थापित फॉरेस्टर की हत्या की योजना बना रहे थे, जो अपनी पत्नी के साथ गया जिले में किराए के मकान में रह रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा था, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि फॉरेस्टर की हत्या की सुपारी खुद उसकी पत्नी ने दी थी, जिसके लिए 5 लाख रुपए तय हुए थे, और इसका कारण पुलिस के मुताबिक अपराधियों में से एक नवीन राणा के साथ फॉरेस्टर की पत्नी का अवैध संबंध होने की बात कही जा रही है। महिला ने इस हत्या के लिए 94,000 रुपए एडवांस भी दिए थे। तीनों हत्या करने के लिए हजारीबाग से गया के लिए स्विफ्ट डिजायर कार से निकले थे, जिन्हें पुलिस ने इचाक मोड़ के पास से पीछा कर धर दबोचा। कांड करने के लिए ये लोग एकजुट हो गया था और गया में कांड करनी थी। कांड करने के लिए जैसे जा रहे थे तो तब हम लोग इंटरसेप्ट किए। इंटरसेप्ट करके फिर उनसे पूछताछ करने पर ये बात सामने आई है कि हजारीबाग में पदस्थापित एक फॉरेस्टर है, तो उस फॉरेस्टर को नवीन राणा जो पकड़ा गया है तो वो मरवाना चाह रहे थे और उनको जो है गया में रह रहे थे, तो उसी रात को उनको गला दबा के मरवाने के लिए लोग प्लान करके जा रहे थे, जिसके एवेज में जो है ये लोग एडवांस भी ले लिए हैं और वो एडवांस अपने आपस में बांट के जाते वक्त ही ये लोग पकड़ा गया है। और इसमें बचा हुआ मेन कॉन्स्पिरेटर है, तो उस फॉरेस्टर का ही वाइफ निकली है,